जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आधार सीडिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आधार सीडिंग क्या होती है और आधार सीडिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप सभी को पता है कि लगभग हम सभी के पास हमारे आधार कार्ड है, उन आधार कार्ड के अंदर हमको एक 12 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको हम आधार नंबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज आप जितने भी लोग बैंक अकाउंट्स का यूज करते हैं उन सभी के बैंक अकाउंट्स के अंदर उनके आधार कार्ड लिंक हैं। उसी तरीके से सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो सरकार स्कीम या योजनाएं निकालती है अपने कह सकते हैं देशवासियों के लिए, जैसे कि पेंशन योजना हो गया, LPG कनेक्शन की योजना हो गई, यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की कह सकते हैं स्कीम्स हो गई, इसके अलावा हमारी मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं, यानी जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अंदर जब आप अपने आधार कार्ड नंबर को लिंक कराते हैं और उस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं आधार सीडिंग। यानी कि किसी भी सरकारी योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो यहां पर आपको आधार सीडिंग करवाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आधार सीडिंग का सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस योजना से आपके आधार कार्ड जो नंबर है वो लिंक होना चाहिए, तभी आपका कह सकते हैं उस योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। यहां पर दोस्तों आज आप कोई भी योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और आपका जो आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो मांगा जाता है। इसमें आपके दो ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहला आधार नंबर लिंक किया जाता है, दूसरा आपके मोबाइल नंबर को लिंक किया जाता है, ताकि जो आपकी इंपॉर्टेंट नोटिस जो आपको आए वो आपके नंबर तक कह सकते हैं आसानी से पहुंच सके और आप तक वो सही जानकारी पहुंचा सके। तो ये आप समझ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए था। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आधार सीडिंग की जानकारी हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आधार सीडिंग क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।